वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, जो कि थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है नर्सिंग का। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। एंड सेकेंड ईयर में जो आता है पीडियाट्रिक्स एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, और साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गायनेकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, एक तो हम बात करेंगे गायनेकोलॉजी की, गायनेकोलॉजी, एंड सेकेंड इज गायनेकोलॉजिस्ट। तो देखो, गायनेकोलॉजी एक ऐसी मेडिसिन की ब्रांच होती है जो कि डील करती है जितने भी वुमेन के इश्यूज होते हैं, हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज उनके साथ डील करती है, उसे हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। एंड गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो एक स्पेशलाइज्ड फिजिशियन होती है, जो कि वुमेन के रिगार्डिंग वुमेन उनके जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। एंड बेसिकली गायनेकोलॉजी तो एक मेडिसिन की ब्रांच है, एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो कि है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गायनेकोलॉजी एंड गायनेकोलॉजिस्ट इज सिंपल। ऐसे बेसिक वर्ड्स थे जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि ये हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फीमेल पेल्विस। सबसे पहले हम फीमेल पेल्विस का टॉपिक करेंगे। तो देखिए, फीमेल पेल्विस, पेल्विस के बारे में वैसे आपने फर्स्ट ईयर में स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़ा होगा, बट देखो फीमेल पेल्विस जो होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल पेल्विस का काम क्या होता है। फीमेल पेल्विस जो है किस चीज में हेल्प करती है, तो वो है चाइल्ड बर्थ में। जब एक बेबी बोर्न होता है उस टाइम में फीमेल पेल्विस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम नॉर्मल लेबर की बात करें तो फीमेल पेल्विस का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट वाइटल रोल होता है। तो फीमेल जो पेल्विस है वो फर्स्ट जो है किसमें हेल्प करती है, एड्स इन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में बेबी को बोर्न होने में हेल्प करती है। और फीमेल पेल्विस में जो बोन्स होती हैं, अब हम फीमेल पेल्विस की बोन्स की बात कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट जो होती है इसमें क्या होती है, टू इनोमिनेट बोन्स होती हैं, इनोमिनेट बोन्स। और इनोमिनेट बोन्स को हम और क्या बोलते हैं, हिप बोन्स। टू हिप बोन्स होती हैं इसके अंदर। सेकेंड आता है हमारा सैक्रम, एंड थर्ड इज कॉकिक्स। तो फीमेल पेल्विस के अंदर, फीमेल पेल्विस इन तीन बोन्स से मिलकर बनी होती है। टू इनोमिनेट बोन्स मीन्स हिप बोन्स, सेकेंड इज सैक्रम, एंड थर्ड इज कॉकिक्स। तो विद हेल्प ऑफ डायग्राम अभी हम इसे क्लियर करेंगे। सो एक बार मैं थोड़ा सा रब कर दूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनोमिनेट बोन्स की। तो इनोमिनेट बोन्स के अंदर तीन बोन्स आती है हमारी, इनोमिनेट बोन्स पार्ट्स बोल सकते हो आप। इनोमिनेट बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज, इनोमिनेट बोन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज इलियम, सेकंड इज इस्चियम, एंड थर्ड इज सिम्फोसिस प्यूबिस। तो देखिए, फर्स्ट इज इलियम, सेकंड इज इस्चियम, एंड थर्ड वन इज सिम्फोसिस प्यूबिस। सिम्फोसिस प्यूबिस का तो आपने फर्स्ट ईयर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा होगा, लेकिन इलियम और जो इस्चियम है वो आपके लिए न्यू है, तो उसे हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनोमिनेट बोन्स की। तो इलियम जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, देखिए ये है फीमेल पेल्विस। तो ये मैंने एक ऐसे ही डायग्राम बनाया है ताकि आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये देखिए, ये जो फ्लेयर्ड पोर्शन है, फ्लेयर्ड मीन्स थोड़ा सा जो फैला हुआ आपको दिख रहा है दोनों साइड से, देखो ये वाला और ये वाला पोर्शन, तो इसे हम बोलते हैं इलियम। पहले हम इलियम की बात कर रहे हैं, तो जो ये वाला पोर्शन है
ये है ईलियम। ईलियम ओके। तो देखो अब इसके अपर अपर जो इसका बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, इसे हम क्या बोलेंगे? इस बॉर्डर को हम बोलेंगे इलियक क्रेस्ट। ये जो है बॉर्डर, ये है इलियक क्रेस्ट। देखो जैसे पोज देते हो ना, जब फोटो सेशन होता है, तो इलियक क्रेस्ट वो वाला पोर्शन होता है, वो वाला एक बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर ऑफ द इलियम, जो कि जहां आपका हैंड प्लेस हो जाएगा फोटो जब आप क्लिक करवाते हो उस टाइम पे, उसे बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। दो प्रोमिनेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहां होता है एक प्रोमिनेंस यहां है और एक प्रोमिनेंस यहां है। सो दो प्रोमिनेंसेस प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट है एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन, ओके, एंड द लोअर प्रोमिनेंस इज कॉल्ड एंटीरियो इंफीरियर इलियक स्पाइन। देखो सिर्फ नेम का डिफरेंस है, आपको पता है कि सुपीरियर का मतलब क्या होता है और इंफीरियर का मतलब क्या होता है। इंफीरियर ही मतलब नीचे, तो नीचे वाला जो प्रोमिनेंस है उसे हम बोलेंगे एंटीरियो इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंड अपर प्रोमिनेंस जो कि सुपीरियर वाला है उसे बोलेंगे एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन। एज इट इज, ये देखो ये एंटीरियर पोर्शन है फीमेल पेल्विस, आपको सामने से दिख रही है एंटीरियरली, बट पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो आपको सेम प्रोमिनेंसेस इसकी ऑपोजिट साइड में भी मिलेंगी इसी पॉइंट पे, बट इसके पोस्टीरियरली, तो उसे क्या बोलेंगे? उसमें भी ये जो नेम है वो सेम रहेंगे एंटीरियो, और एंटीरियो की जगह क्या हो जाएगा? पोस्टीरियो। तो पोस्टीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड पोस्टीरियो इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं इश्चियम। वैसे एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये है हमारी फीमेल पेल्विस, और इसके जो ये वाले फ्लेयर्ड पोर्शन होते हैं, आपको फैले हुए पोर्शन नजर आ रहे हैं, दोनों फैले हुए जैसे थोड़े से फ्लेयर्ड पोर्शन नजर आ रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे इलियम, इन्हें हम बोलेंगे इलियम। और इसका जो अपर बॉर्डर होता है ऊपर वाला, उसे हम बोलेंगे इलियक क्रेस्ट। और इसमें प्रोमिनेंसेस होते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर प्रोमिनेंसेस, तो उनका नाम होता है एंटीरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियो इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इश्चियम। तो देखो इश्चियम कौन सा पार्ट होता है? जो अपर पार्ट होता है ना, इनोमिनेट बोन्स है, देखो ये वाली होती है हमारी हिप बोन्स। तो हिप बोन्स का जो ये अपर जो फ्लेयर्ड पोर्शन है, ये तो हो गया इलियम, बट जो इसका लोअर पोर्शन होता है, और वो थोड़ा सा थिक, थोड़ा सा मोटा होता है, ये थोड़ा सा थिन नजर आ रहा है, तो जो नीचे वाला मींस ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं इश्चियम। एक जो बोल सकते हो एक लार्ज प्रोमिनेंस प्रेजेंट होती है, एक उभार बोल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं इश्चियल ट्यूबरोसिटी। तो देखो कहां प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से, यहाँ इस पोर्शन में इस कोई प्रोमिनेंस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा, जैसे कि कोई प्रोमिनेंस हो, तो इसे हम बोलेंगे इश्चियल ट्यूबरोसिटी। ओके, अब देखो इससे अगर हम थोड़ा सा अपोजिट साइड में जाए, इसके पीछे की तरफ अगर हम बात करें, तो देखो ये पीछे की तरफ ये कहां दिखाई दे रही है आपको, एक्सटेंड हो रही है, देखो यहां से कुछ यहां पे आपको दिखाई देगा, पीछे की साइड देखना और थोड़ा सा लोअर पोर्शन में देखना है। तो देखो ये होती है इश्चियल स्पाइन, कुछ इस तरीके से दिखेंगी आपको, कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो ये होती है इश्चियल स्पाइन। और जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं ना, तो हमारी जो पूरी बॉडी का जो वेट है उसे कौन उठाता है, मींस पूरा बॉडी का वेट कौन सी बोन पे आता है, तो वो ये होते हैं इश्चियल ट्यूबरोसिटी। जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो इश्चियल ट्यूबरोसिटी पे ही पूरा वेट आता है। ओके, तो अभी हमने किया इलियम एंड इश्चियम। तो इलियम में हमने क्या क्या पढ़ा था? इलियक क्रेस्ट, इलियक सुपीरियर एंड इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो हमने इश्चियम में क्या पढ़ा? देखिए ये होती है इश्चियल ट्यूबरोसिटी,
और ischial spine के बारे में पढ़ा, pubic bones के बारे में. तो दो pubic bones होती है, देखो ये वाली जो ये आपको नजर आ रही है, ये वाली होती है हमारी दो pubic bones, और ये innominate bone का anterior वाला part बना रही है. देखो ये innominate bone है हमारी hip bones, hip bones का जो आगे वाला part है उसे कौन बना रही है, pubic bones. तो ये दोनों होती हैं pubic bones, ये होती है हमारी pubic bones. और देखो जहां पर ये दोनों मीट हो रही हैं, जिस पॉइंट पे ये मिल रही हैं दोनों बोन्स, इस वाली बोन को हम बोलेंगे, देखो यहां मिल रही है ना, तो इस मीट पॉइंट को हम बोलेंगे सिम्फिसिस प्यूबिस. ओके, अब जो प्यूबिक बोन्स मैंने आपको करवाई, उनके भी प्रोजेक्शंस होते हैं, उनके भी दो प्रोजेक्शंस होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, जैसे हमने इलियम में पढ़ा था. तो इसी तरीके से ये वाला जो होगा, पहले हम इंफीरियर वाला प्रोजेक्शन करते हैं. देखो जो ये वाला है इंफीरियर, देखो इस ischial ट्यूबरोसिटी से नीचे जो यहां प्रेजेंट होगा ये होता है इंफीरियर रेमस, रेमस ऑफ प्यूबिस. तो देखो जो दो हमारी प्यूबिक बोन्स होती हैं और उनके सुपीरियर और इंफीरियर प्रोजेक्शंस होती है, तो नीचे वाले जो प्रोजेक्शंस है उसे बोलेंगे इंफीरियर रेमस, एंड सुपीरियर जो प्रोजेक्शन है उसे हम बोलेंगे, सुपीरियर प्रोजेक्शन को बोलेंगे सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, इसे हम बोलेंगे सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस. ओके, अब देखो आपको एक ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा, एक सर्कुलर पोर्शन. देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दोनों साइड है. तो देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ये किस किस से मिलकर आपको दिखाई दे रहा है, कि किस किस से मिलकर बना है. तो देखो फर्स्ट तो आ जाता है ये सिम्फिसिस प्यूबिस, फर्स्ट तो है सिम्फिसिस प्यूबिस. सेकेंड है जो हमने सुपीरियर और इंफीरियर रेमस पड़े हैं वो, और थर्ड आता है ischium. तो जिनको किस किस ने एनक्लोज कर रखा है वो देख लो, फर्स्ट इज सिम्फिसिस प्यूबिस, सेकेंड इज टू रेमाई या फिर रेमस सुपीरियर एंड इंफीरियर रेमस, एंड थर्ड इज ischium. वाला जो पोर्शन है सर्कुलर वाला पोर्शन, ये आपको दिख रहा होगा कि किस किस ने इसको एनक्लोज कर रखा है, तो वो है सिम्फिसिस प्यूबिस, ischium एंड टू रेमस. देखो सिम्फिसिस प्यूबिस, टू रेमस और ischium, रेमस टू क्योंकि सुपीरियर और इंफीरियर रेमस. सर्कुलर पोर्शन है इसे हम बोलेंगे ऑब्टुरेटर फोरमेन. तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ, नीचे स्पेस नहीं है. तो ये देखिए ऑब्टुरेटर फोरमेन, इस स्पेस को बोलेंगे ऑब्टुरेटर फोरमेन. तो ऑब्टुरेटर फोरमेन को किस किस ने एनक्लोज किया हुआ है, सिम्फिसिस प्यूबिस, टू रेमस एंड ischium. तो अब हम बात करते हैं, दो कर्व नजर आ रहे होंगे, कर्व मीन्स कुछ इस तरीके की शेप्स जैसे आपको यहां नजर आ रही है. तो जो ऊपर होता है, ऊपर की साइड मीन्स ये वाला अपर कर्व, तो इस वाले को हम बोलेंगे, इनको इसको हम बोलेंगे ग्रेटर सियाटिक नोच. जैसे ये ग्रेटर मीन्स अपर वाली, और ये जो है ये है, इसका भी मैं ऊपर ही लिख रही हूं, लेसर सियाटिक नोच. तो देखो ग्रेटर सियाटिक नोच आपको कहां से कहां तक दिख रही है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है यहां से लेकर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, तो ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको पढ़ा था पोस्टीरियरली इलियम के टॉपिक में. तो ये जो मैंने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन करवाया था और इंफीरियर इलियक स्पाइन, तो पोस्टीरियर में भी यही प्रेजेंट होते हैं. तो ग्रेटर सियाटिक नोच कहां से कहां तक होगी, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से ischial स्पाइन तक, और जो लेसर है वो ischial स्पाइन से लेके जो है ischial ट्यूबरोसिटी मीन्स इस स्पेस में होगी,
लेसर सियाटिक नोच। पढ़ा इनोमिनेट बोन्स के बारे में, उसके थ्री पार्ट्स हमने पढ़े, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो अब सेकेंड हम पढ़ेंगे सैक्रम। तो मैं इसे रब कर देती हूं। नेक्स्ट हम करेंगे सैक्रम। तो एक बार मैं ये वाला पोर्शन दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको इजीली यहां समझ में आ जाए सैक्रम के बारे में। तो ये है हमारी सैक्रम, और सैक्रम लाइज बिटवीन द इलिया। इलिया मीन्स इलियम। तो इलियम बोन हमने पढ़ी थी ये, और ये फ्लेयर्ड पोर्शन जो पढ़ा था हमने इलियम। तो सैक्रम के दोनों साइड क्या बना होता है? इलियम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इलियम आप बोल सकते हो। तो ये जो फ्लेयर्ड पोर्शन है ये है इलियम, और ये है सैक्रम। तो ये है सैक्रम, और देखो जो सैक्रल, जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा होती है ना, ये वाली, इसे हम बोलेंगे सैक्रल, सैक्रल प्रोमंट्री। क्या बोलेंगे? सैक्रल प्रोमंट्री। और जो सैक्रम बोन होती है उसमें देखो आपको फोर पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब जैसे हम ईयर पियर्सिंग कराते हैं, नोज पियर्सिंग कराते हैं, पियर्सिंग का मतलब होता है एक होल, होल करवाना। तो ये देखिए जैसे होल, इस टाइप के आपको इस टाइप के होल नजर आ रहे होंगे, ये वाले देखो छोटे छोटे होल नजर आ रहे हैं। तो ये होल्स जो होते हैं ये फोर पेयर के होते हैं, चार इसके पेयर होते हैं, देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो फोर पेयर नजर आ रहे हैं। तो इनमें से क्या होती है? जो सैक्रल नर्व्स होती है, नर्व पास होती है इनमें से, फोर पेयर में से नर्व पास होती हैं। तो सैक्रम का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कॉकिक्स। इस बोन का क्या रोल होता है? तो ये है कॉकिक्स। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, तो नॉर्मल लेबर के टाइम पे क्या होता है, जो कॉकिक्स होती है ना वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, मीन्स थोड़ी सी पीछे की साइड पुश हो जाती है। वो इस वजह से हो जाती है कि जो फीटस है वो इजिली वर्क हो पाए, तो इसलिए कॉकिक्स बोन जो है वो बैकवर्ड मूव हो जाती है। और फीटस, अब देखो गायनेकोलॉजी का आपका आज का फर्स्ट जो है आपकी क्लास है, तो फीटस का मीनिंग क्या होता है? फीटस देखो, जब जो बेबी होता है वो यूट्राइन एनवायरमेंट के अंदर होता है, मींस जब तक बेबी यूट्रस में होता है तब तक उसे हम बेबी नहीं बोलकर फीटस बोलते हैं, और जैसे ही वो एक्सटर्नल हमारे एनवायरमेंट में एंटर होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूनेट। तो तब तक हम उसे बोलेंगे फीटस। पढ़ा इनोमिनेट बोन्स, जिसको हिप बोन्स बोलते हैं, और जिसके तीन पार्ट्स होते हैं इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, और सेकेंड हमने पढ़ा सैक्रम एंड कॉकिक्स। तो ये सब कुछ हमने कुछ लैंडमार्क्स पढ़े हैं, जो कि ये देखो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, इंफीरियर इलिक स्पाइन, इस्चियल स्पाइन, इस्चियल ट्यूबरोसिटी, प्यूबिक बोन्स, ये सब जो है वो लैंडमार्क्स हैं पेल्विस के। तो आज हमने पढ़े हैं लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को हम इजिली लोकेट कर पाते हैं। तो जब मैं आपको ट्रू और फॉल्स पेल्विस के बारे में पढ़ाऊंगी तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक को आप इजिली समझ पाएंगे इन लैंडमार्क्स के जरिए, ठीक है? तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस का टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पेल्विक जॉइंट्स एंड पेल्विक लिगामेंट्स। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना आपको क्लियर करने की कोशिश की है, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।